दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा रिया टेंशन में नजर आ रही हैं। रिया का मानना यह है कि अगर अब हमारी शादी नहीं होगी तो हमारी शादी फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जहां पर इस समय रणबीर खाली एक ही बात बोलता हुआ बार बार नज़र आ रहा है कि मैं खुशी के लिए ही सब कुछ कर सकता हूँ, खुशी के अलावा मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे प्राची की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राची दूसरा शादी करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र इसीलिए आ रहा है इस समय रणबीर, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है प्राची के ऊपर। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इधर रिया इसीलिए टेंशन में है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है रणबीर, क्योंकि रणबीर जब जब कुछ करने निकलता है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली अब रिया को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों रिया का मानना ये है कि हमारी अच्छी अच्छी लाइफ को रणबीर ही डिस्ट्रॉय करता है जब भी करता है, लेकिन दोस्तों उस चीज़ में रणबीर की भी गलती नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि रणबीर को इस समय उसकी बेटी खुशी के अलावा दूसरा कोई पर्सन अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि रणबीर ने खुद ने बोला है कि हम इस समय खाली अपनी बेटी के अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे और ना ही हमें किसी के बारे में सोचना है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर का साफ साफ मानना है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, क्योंकि वो इस समय अपनी बेटी के अलावा कुछ और सोचना भी नहीं चाहता है। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि हमें इस समय किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी मतलब किसी की भी नहीं, जी हाँ, क्योंकि प्राची खाली अपनी बेटी के साथ में इस समय सबसे ज़्यादा सुखी नज़र आ रही हैं। दोस्तों साथ ही मेरा नाम है रोहित नागा।